Yeah, hi everyone. So today we have Pranshu with us, who has secured All India Rank 55 in GATE ECE 2024 examination. So let's talk to him and get to know about his journey. So yeah, hi Pranshu, how are you? Fine, Vijay. Yeah, okay. So can you briefly introduce yourself to our viewers? So मैंने मतलब अपनी ग्रेजुएशन SGS ITS इंदौर से किया है, जो MP का एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है। 23 में पास आउट हूँ मैं, फाइनल ईयर पास आउट। उसके बाद मैंने मतलब स्पेसिफिकली गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फाइनल ईयर के साथ मैंने अटेम्प्ट दिया था, लेकिन वो जस्ट क्वालिफाई हुआ था मेरी, उसमें अराउंड 6.5 के रैंक थी। तो उसके बाद से फिर मैंने प्रिपरेशन ढंग से अच्छे से स्टार्ट किया। अच्छा, तो आपने 2023 में कब से स्टार्ट किया प्रिपरेशन? 23 में भैया मैं मतलब 22 के दिसंबर में मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब थोड़ी थोड़ी फ्लो आने लगा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कॉलेज रीओपन हो गया फरवरी के आसपास, तो उसके कारण फिर पूरा फ्लो चला गया और फिर मतलब नहीं पढ़ पाया था उतने अच्छे से। फिर समर वेकेशन में कुछ पढ़ा, लेकिन उतनी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई थी, रिविजन भी नहीं हो पाया था, सिलेबस भी नहीं हो पाया था, तो जस्ट क्वालिफाई हुआ था। हाँ, मतलब मैं ये पूछ रहा था 23 के बाद में जब आपने 24 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, फिर कब से? हाँ, तो 24 के लिए गेट दिया, उसके जस्ट बाद से कर दिया था मैंने, अच्छा मतलब अच्छा रीस्टार्ट कर दिया था। अच्छा तो उस समय वो प्रोजेक्ट भी रहता है, वो थोड़ा ये भी सब भी रहता है, एग्जाम्स हाँ, वगैरह। प्रोजेक्ट वगैरह वो भी चल रहा था पैरेलली, लेकिन प्रिपरेशन मैंने, क्योंकि मेरा पेपर बिगड़ गया था थोड़ा 23 हाँ वाला, हाँ हाँ मतलब तो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी खराब रैंक था, तो अच्छा, मैं फिर कर दिया था सीरियसली स्टार्ट। तो फिर आपने अब जैसे 24 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो वो एकदम जीरो से स्टार्ट किया या फिर ऐसे कि पहले नहीं सब्जेक्ट नहीं पढ़े? मैं थोड़ा थोड़ा क्रैश कोर्स वगैरह तो फॉलो कर लिया था मैंने, तो हाँ बेसिक आइडिया सारे सब्जेक्ट्स का था। तो हाँ इसके बाद से मैंने जैसे नेटवर्क सिग्नल डिजिटल कंट्रोल, इनके तो क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस किया, ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो लगभग क्लियर थे, हाँ और कोर सब्जेक्ट्स मेरे उतने अच्छे नहीं थे, तो फिर उनका तो अच्छे से करना पड़ा, जीरो से करना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या आप मेन रिसोर्स फॉलो करते थे? PYQ, मतलब PYQ ज्यादातर तो हाँ। PYQ फॉलो किया था, अच्छा, उसके अलावा और कुछ जैसे और बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में था, तो वहाँ डाउट्स वगैरह आते थे तो उनको सॉल्व किया करता था, तो उससे ठीक हो अच्छा गया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई थी। और टेस्ट सीरीज आपने लगाई होगी, तो आप पर्टिकुलर हाँ कोचिंग का नाम ले सकते हैं जिस कोचिंग में आपने टेस्ट सीरीज लगाई हाँ होगी? तो जैसे कि सब लोग लेते हैं, वैसे मैंने भी MedEasy और ACE Academy दोनों की टेस्ट सीरीज ले लिया था बहुत स्टार्टिंग में, अच्छा और अच्छा फिर टॉपिक वाइज मतलब रिवीजन प्रैक्टिस करता था, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैंने देना चालू कर दिया था। अच्छा तो वही, तो जैसे PYQ हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, ये अपने क्वेश्चन के रिसोर्सेज हो गए। हाँ और रिवीजन का मतलब क्या रहता था, जैसे सिग्नल्स मान लो और अपना नेटवर्क कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद रिवीजन हाँ कैसे? हाँ तो भैया मतलब मैंने आपसे पूछा था कि कैसे रिवीजन करना चाहिए, तो आपने बताया था कि क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा तो हाँ वैसे ही सही मैंने रहे। किया था, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन टिक वगैरह करके रखा था, तो हाँ उन्हीं को फिर से सॉल्व कर लेता था तो ठीक हो जाता था, मतलब उसके बाद जैसे नहीं होती थी चीजें तो फिर से नोट्स में या कहीं पे भी जाके रेफर करता था, फिर उसके बाद कर लेता था अच्छा वैसे। हाँ, तो वही जैसे पढ़ो, क्वेश्चंस करो, नहीं आ रहा तो नोट से जाके देख लो और फिर वैसे करते जाओ। हाँ सही है। तो और ऐसे रिकॉलिंग पावर भी इससे स्ट्रांग हो गई होगी मेरे ख्याल से, कि फॉर्मूला ध्यान रह हाँ रहे हैं। हाँ ये क्योंकि पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ो तो ऐसा लगता, हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, फिर क्वेश्चन करो और रिकॉल हो जाती चीजें तो कॉन्फिडेंस आता है, बार बार पढ़ो तो 10 बार भी पढ़ लोगे तो वो बात नहीं है हाँ, पाती। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वगैरह कब से लिखना स्टार्ट की थी आपने? हाँ तो इसमें मेरा थोड़ा इशू हो गया था, मतलब फुल लेंथ मैं दिसंबर नवंबर दिसंबर स्टार्टिंग में किया था मैंने, नवंबर लास्ट अच्छा दिसंबर स्टार्टिंग, अच्छा तो मैं टेस्ट दिया तो बहुत कम मार्क्स आए थे मेरे, मतलब हाँ फर्स्ट टेस्ट में लगभग 40 मार्क्स थे, 41 42, अच्छा अच्छा तो वो बेसिक था, उसमें सबके अच्छे भी आ गए थे, तो हाँ थोड़ा डिमोटिवेशन आया, तो मैं फिर टेस्ट सीरीज मैंने सोचा कि नहीं यार मेरा अभी सिलेबस वगैरह बचा अरे है, भाई बैठा। तो एक हाँ श्योर श्योर। तो हाँ तो इसके कारण मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन आ गया, तो फिर अच्छे से मतलब उतने फुल लेंथ मैंने नहीं दिया था, अच्छा टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा लगभग तीन अच्छा चार दिया था, उसमें इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पा रहा था मतलब मार्क्स, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही करना है, और थोड़े बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन थे तो उससे डिमोटिवेशन भी आता था, हाँ तो वो भी फिर है। इतना तो समझ गया था मैं कि तो आखिरी तक जाते जाते भी आपने ज्यादा नहीं दिया था फुल लेंथ? हाँ मैं मतलब ACE Academy के दिया था, उसके थोड़े कंपैरेटिवली इजी होते हैं, तो उसमें ठीक ठाक मार्क्स आने लगे थे, 50 55 आते थे, लेकिन हमेशा मैं जब एनालाइज करता था तो ऐसा लगता था कि 70 टेस्ट तो कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी नहीं आ हाँ पा रहे थे, तो हमेशा मतलब
ये इशू आता रहा हूँ। वैसे इसी में अपने 50-55 आते हैं तो काफी सही है, काफी दिमाग्स हाँ तो हाँ आते हैं, इतने सही है। तो मेरे भी टेस्ट सीरीज में मेरे को याद है कि जैसे 60-65 तक आते थे, 65 तक ठीक थे, बस वही मैक्सिमम थे जैसे बेसिक लेवल टेस्ट हो जाए अच्छा तो। हाँ और 80 कभी लगा नहीं, चाहे कितना इजी टेस्ट हो, हाँ कितना नहीं इजी फिर हो। बाद में जब मैं रैंक वगैरह एनालाइज किया तो ठीक ठाक रैंक रहती थी मेरी, हाँ मैं हाँ रैंक आ जाती है ठीक ठाक वही। हाँ तो ये, और मतलब एग्जाम के दौरान जैसे पेपर टफ आ गया तो क्या सीन था, 3 घंटे मतलब किस तरह हाँ बीते, थोड़ा वो बताओ। तो पेपर में मैं पहले सॉल्व कर रहा, जैसे एप्टीट्यूड करता हूँ मैं हमेशा सॉल्व, तो एप्टीट्यूड कर रहा था उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है, जितने जनरली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद कुछ कुछ बन मार्कर भी थे जिनमें थोड़े से ट्रिकी थे वो लोग, मतलब थोड़े से ट्रिकी थे क्वेश्चन, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद 2 मार्क्स के जब मैं आया तो बहुत कम टाइम बच गया था, मतलब जितना बचता है उससे भी कम टाइम बचा था। तो फिर थोड़ी तो घबराहट हुई थी वहां पे कि हाथ पैर थोड़ी देर के लिए तो कांप गए थे कि यार चीजें अपने हिसाब से नहीं जा रही। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन देखा मैंने कि जैसे EMT वगैरह के बहुत 1 लाइनर 2 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ गए थे, जैसे कुछ EMT का था, कुछ सिग्नल वगैरह के थे, तो फिर उनसे कॉन्फिडेंस आया और फिर कर दिया मैं मतलब। अच्छा तो अभी आपका फाइनल प्लान है PSU का, आपने पहले हाँ बताया था जैसे। ESU अच्छा कोई एक ऐसी पर्टिकुलर राइट, PSU आपने सोचा है? अभी तो इसका आइडिया नहीं है कि किस में जाना है, रिसर्च हाँ ठीक करें। है, काफ़ी समय लगता है वैसे, PSU की वैकेंसी धीरे धीरे आती है, कर सकते हो आप उनसे हाँ रिसर्च। तब अच्छा तक MTech की काउंसलिंग तो कर ही लूंगा। हाँ, M.Tech की काउंसलिंग में भी एनरोल कर ही देना तो यही। तो और कोई आपकी तरफ से कोई फाइनल टिप, जैसे रिवीजन स्ट्रेटजी हुआ या फिर टेस्ट सीरीज लगाने हो, या फिर आपने कुछ हाँ अपनी प्रिपरेशन में ऐसा कुछ डिफरेंट देखा हो तो वो बता दो आप व्यूअर्स को। हाँ मतलब एक चीज़ है कि एस्पिरेंट सोचते हैं कि मैं 10 रिसोर्सेज फॉलो कर लूँ, हाँ तो वो उससे प्रिपरेशन थोड़ी हैम्पर हो जाती, मतलब उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं 10 चीज़ फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही। तो उसमें मैं कहूँगा कि PYQ कर लो, वो मोर देन सफिशेंट रहते हैं। और दूसरी बात कि लगे रहना है, मतलब अपन लास्ट तक अपन को लगे रहना है। कुछ लोग मैं देखा कि लास्ट के 1 महीने 2 महीने में गिव अप कर देते हैं, लास्ट के 15 दिन में गिव अप कर देते हैं, अच्छी चल रही होती प्रिपरेशन फिर भी गिव अप कर देते हैं, टेस्ट सीरीज के मार्क्स देख के गिव अप कर देते हैं। तो लास्ट तक लगे रहना है, बस पेपर में भी ऐसा होगा कि तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं जाएगी, और पेपर में भी कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, तो नहीं लास्ट तक लगे रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ वो पेपर में भी गिव अप नहीं करना चाहिए, पहले भी नहीं करना चाहिए पेपर में भी, हाँ ऐसे 3 घंटे तो पूरे खराब नहीं जाएंगे अगर पढ़े हो तो, हाँ बस पंद्रह बस बीस मिनट 30 मिनट 1 घंटा भी खराब जा सकता है, लेकिन 3 घंटे पूरे नहीं जाते, कुछ हाँ ना कुछ तो अच्छा है। जैसे आपने टेस्ट सीरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं दी, फिर भी मतलब कॉन्फिडेंस किस तरह आपने बिल्ड रखा कि एग्जाम में कि मैं अच्छा कर सकता हूँ नहीं ज़्यादा। हाँ तो हाँ टेस्ट सीरीज में मैं देखता था कि मेरे से वही क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे जो कि रिलेवेंट है, या तो मैं सिली हाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल हाँ क्लैरिटी तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि यार मेरे से कॉन्सेप्ट सारे बनते हैं, मेरे से क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं, तो पेपर के समय भी मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरी प्रिपरेशन लोगों से कम है। तो मैं जब वही। जा रहा था पेपर देने तो ठीक था यार कि मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, और अगर हाँ पेपर अच्छा आया तो मेरे लिए एडवांटेजेस रहेगा, मतलब हाँ यही। तो और ISC बना रहा था तो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि थोड़ा सा ट्रिकी पेपर आएगा, और वैसे ही हुआ। तो एनालॉग वही वगैरह के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, हाँ थोड़े अनकन्वेंशनल थे, तो वो जब हुए तो वो मतलब पेपर के दौरान फीलिंग आ गई थी कि हाँ यार नहीं ये लोगों से नहीं हो पा रहे होंगे, ये अपन से हो रहे हैं, तो हाँ उससे हाँ कॉन्फिडेंस आ गया था काफी। हाँ वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा ही हुआ था हाँ मेरे एग्जाम में भी कि मतलब हमें कुछ क्वेश्चन देख के लग जाता है कि ये तो नहीं बना होगा और ये बना हाँ हो कुछ गया है। कुछ वैसे ऐसे हाँ हुए तो वो काफी कॉन्फिडेंस आया था। तो उससे वैसे कितना सही हो गया था एनालॉग तुम्हारा, जितना तो अगर तुम्हें याद हो तो। एनालॉग मेरा एक क्वेश्चन वो सर सी RL इक्विवेलेंट वाला निकालना था, था, हाँ हाँ आर वो निकालना बस था। गलत हुआ था, बाकी सब ऑलमोस्ट सही हो गया। अच्छा, वो तुमने वो ओपन वाला भी बना दिया था अच्छे से, हाँ टू ओपन वन वाला, माइक्रोसेकंड। हाँ वो मतलब एक पार्ट बस निकालना था उसमें, मैं दूसरा हाँ फिर पार्ट तो नहीं हो रहा उससे था तो वो 1 माइक्रोसेकंड डिले आ गया था शायद उसमें, तो कर दिया हाँ था। बढ़िया बढ़िया, तो बढ़िया यार। ओके ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल, एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माई साइड आई विल बी देयर फॉर यू सर। ओके थैंक यू।